दोस्तों इसमें आप लोग बताने वाले हैं कि अगर आप लोग जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पार्ट वन सेशन 2023 से 27 में बीए बीएससी बीकॉम के लिए एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे, तो इसका जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग भी जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए थे और आप लोग जो अपना सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम चेक करना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे, तो किस प्रकार से जो है आप अपने मोबाइल से ही चेक कर पाएंगे, इसकी कंप्लीट जानकारी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा समय नहीं लेते, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो फिर आप लोग को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल फोन या अपने कंप्यूटर में कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करना है कोड प्रोसेस CROCESS प्रोसेस, इतना टाइप करना है और सिंपली सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे फर्स्ट में यहाँ पे आ जाएगा coolprocess.in, तो इस पे आपको क्लिक करना है या इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट में आना है। यहाँ पे आपको जो है नहीं दिख जाएगा BRABU सेकेंड मेरिट लिस्ट 2023 हुआ जा रही लिंक, ठीक है। तो आपको इस पोस्ट पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो है पोस्ट आपके सामने में कुछ इस प्रकार से ये जो है खुल करके आ जाएंगे पूरे डिटेल्स में, ठीक है। तो सिंपली आपको स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आना है, इस पोस्ट में सारी जानकारी बताई गई है, ठीक है। यहाँ पे किस प्रकार से आप लोग को एडमिशन लेना है, किस प्रकार से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी शॉर्टकट में हमने जो है प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको एक जो है यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा डायरेक्ट लिंक चेक एंड डाउनलोड सेकेंड मेरिट लिस्ट, इसके सामने यहाँ पे क्लिक किया है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको फर्स्ट में आपको दिखेगा TTC एडमिशन सेकेंड मेरिट लिस्ट सेशन 2023 से 27, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है, तो इसमें आपको ये क्या मतलब कैसे आपको चेक करना है, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहला आपको यहाँ पे चूज करना है ऑप्शन कि आपने जो है एडमिशन जिस समय ऑनलाइन अप्लाई कराया था तो कौन सी ऑनर्स से आपने जो है एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कराया था। तो जो भी ऑनर्स से आपने बीए में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कराया था उस ऑनर्स के सामने यानी उस सब्जेक्ट के सामने आपको क्लिक करना है। जैसे संकोच कीजिए कि आप हिंदी ऑनर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे, तो यहाँ पे हिंदी के सामने व्यू है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जो है थोड़ा देर यहाँ पे वेट करेंगे या फिर आप जो यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करेंगे और तीन डॉट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा कि आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपका डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये जो है पीडीएफ आपके फोन में जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं जो है ये बहुत बड़ा सा लिस्ट है, तो इसमें अपना नाम कैसे ढूंढना है, यहाँ पे एक एक करके जो है नाम ढूंढने में काफी आपको मुश्किल होगा। तो सिंपल वे में आपको कैसे यहाँ पे अपना नाम जो है तलाश करना है, देखिए यहाँ पे आपने जो ऑनलाइन अप्लाई किया था उस पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर उसी लिप पे होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर को आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर में देखता होगा इसमें सर्च ऑप्शन, इस सर्च पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो है वो एप्लीकेशन नंबर आपको इसमें टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मैं एक एप्लीकेशन नंबर पेस्ट किया, जैसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो नंबर जो है आपको हाईलाइटेड होकर के आ जाएगा अगर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम सिलेक्शन हुआ होगा तो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे जो है रेड में यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो है इसका कौन सा कॉलेज में जो है सिलेक्शन हुआ है, तो ASL के गोयनका कॉलेज यहाँ पे देख सकते हैं सीतामढ़ी, और यहाँ पे जो है ये सिलेक्शन और नाम वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आपका जो है इसमें नाम नहीं आता है तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट का जो है आपको वेट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट में अपना नाम जो है चेक कर सकते हैं। तो आप लोग को ये जानकारी कैसा लगा, अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।